नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। इन बैन हुए ऐप्स में टिकटॉक भी है। टिकटॉक ऐप भारत में काफी लोकप्रिय है। भारत सरकार के बैन करने के बाद टिकटॉक की प्रतिक्रिया सामने आई। टिकटॉक इंडिया ने अपने ऑफिशियल पेज से अपनी प्रतिक्रिया दी। टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी का कहना है, हमें संबंधित सरकारी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जवाब देने और स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया। टिकटॉक ने अपने जवाब में साफ तौर से कहा है कि वो चीनी सरकार के साथ किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं करते। आपको बता दें, भारत सरकार ने सोमवार रात आदेश दिया कि देश में चीन के 59 ऐप्स को बैन किया जा रहा है, जिसके तुरंत बाद ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक ऐप को हटा दिया गया। जहां ऐप स्टोर की लिस्टिंग से टिकटॉक को हटा लिया गया, वहीं जिन यूजर्स के फोन में यह ऐप पहले से ही इंस्टॉल था, वो इसका इस्तेमाल अब भी कर सकते हैं। टिकटॉक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा जारी किए गए बयान में निखिल गांधी ने पुष्टि की है, फिलहाल बैन ऑर्डर को लागू करने की प्रक्रिया चल रही। कंपनी के प्रतिनिधि इस मामले पर चर्चा और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। टिकटॉक के लिए यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा प्राथमिक है। यूजर्स के डेटा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, यहां तक कि चीनी सरकार इस बाबत कोई निवेदन भी करे तब भी। टिकटॉक भारतीय कानून के तहत सभी डेटा गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करता है और हमारे भारतीय यूजर्स की किसी प्रकार की जानकारी किसी विदेशी सरकार के साथ साझा नहीं की जाती, जिसमें चीन सरकार भी शामिल है। साथ ही अगर हमसे भविष्य में भी इस तरह का निवेदन किया गया तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए यूजर्स की गोपनीयता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी ने यह भी कहा कि कई लाखों लोग अपनी जीवन शैली के लिए केवल टिकटॉक पर ही निर्भर हैं। इनमें से कई फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स भी शामिल हैं। ऐप स्टोर से टिकटॉक का डिलीट होने का मतलब है कि अब इस ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार का अपडेट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि यदि आपके पास पहले से ही ऐप मौजूद है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के नए फीचर्स व सिक्योरिटी बदलाव अब भविष्य में नहीं किए जाएंगे। टिकटॉक के अलावा भारत सरकार ने 58 चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया है, जिसमें शेयरइट, यूसी ब्राउजर, शीइन, क्लब फैक्ट्री, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो मी, एमआई कम्युनिटी, कैम स्कैनर, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, वीमेट जैसे कई ऐप्स शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये सभी ऐप्स इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।